आज आखिरकार एंशिएंट टेंपल लेने का टाइम आ गया है, आ गया मेरे पास। आज तो गया हीरो ब्रायन। एक दिन पहले मैं अपने विलेज में घूम के ज़ॉम्बीज वगैरह को देख रहा था, भाग रहा था और कैरी बनाती का गाना गा रहा था। इस बात की मेरी पूरी जिंदगी का वाहिद है, पकड़ो मेरा हाथ, कूदो तुम ऊंचाई से, जाएंगे नीचे नहीं और भी ऊंचाई पे, जहां पे जीत की पुकार। लेकिन मैं ऊपर जाने की जगह सच में नीचे आ गया था और मैं सिर्फ एक हार्ट पे बचा था। और तभी अचानक से एक स्पाइडर आ गई, उसने मेरे को हाफ हार्ट कर दिया और इसी टाइम मेरा शील्ड भी टूट गया। मैंने उसको आयरन के एक्स से मार दिया। इस आयरन को जब तक मैं तोड़ रहा था, मेरी हेल्थ हल्की हल्की रिकवर हो चुकी थी और मैं थोड़ा और आगे जाने वाला था आयरन ढूंढने, और लेकिन वहाँ पे मेरे को स्केलेटन और ज़ॉम्बीज दिख रहे थे। तो मैं सोचा थोड़ा वेट कर लूँ और मैंने अपने हाथ में कुक्ड पॉक चॉप ले लिए। फिर मैं आगे बढ़ा और तब तक ये ज़ॉम्बी यहाँ पे आ ही चुका था और मेरे पास शील्ड नहीं था, लेकिन मेरे पास आयरन की एक्स थी और मैं कुछ क्राफ्ट भी नहीं कर सकता था क्योंकि मैं क्राफ्टिंग टेबल भी नहीं लेके आया था। तो इस आयरन का कोई फ़ायदा नहीं हुआ। फिर मैं आगे जा रहा था स्केलेटन्स को मारने, तभी मुझे कुछ अचानक से आवाज़ें आने लग गई और वहाँ पे मुझे मिला एक स्पॉनर। वो स्केलेटन मेरे को अभी तक मार ही रहा है और ज़ॉम्बी स्पॉन हो गए, लेकिन मैं भी एकदम प्रो बनता हूँ, सबको मार दिया मैंने। या फिर मैं प्रो नहीं हूँ, स्केलेटन को नहीं मार पा रहा हूँ। अब मैंने मार दिया और गलती से चेस्ट खुल गया और मेरे को मिल चुका है एक एन्चेंटेड एप्पल। और एन्चेंटेड एप्पल के बाद मैंने यहाँ पे लाइट्स लगाई और एन्चेंटेड एप्पल्स को देख के मैं काफ़ी खुश हो गया। और एन्चेंटेड एप्पल को लेके मैं अपने कासल पे गया और मैंने वहाँ पे अपना गेम 7 क्विट कर दिया। तो मटन मेरे पास पड़ा है पर मेरा तो गाइस हासियांदा मेरा एकदम फेवरेट वर्ल्ड है और उसको बचाने के लिए आज हम जाने वाले हैं। मैं मेरे सारे डायमंड इस्तेमाल करके एक डायमंड फार्मर बनाने वाला हूँ और आज हम जाएंगे हासियांदा रॉनी भाई के लिए हीरो ब्रायन से लड़ने। और इतने डायमंड से काम नहीं चलने वाला, तो फिर मैं अपने पुराने बेस से फॉर्चून 3 बुक लेके आया, एन्चेंट करा उसको और सारे डायमंड्स मैंने ले लिए। और अब मेरे पास काफ़ी सारे डायमंड्स थे, डायमंड कार में बनाने वाला हूँ और अब वो हीरो ब्रायन बिल्कुल भी नहीं बचने वाला। मैंने अपना सारा फालतू सामान रख लिया है और अब बस हमको बनानी है टाइम मशीन, जिसको मैं जल्दी से जल्दी बनाने वाला हूँ। द प्रेजेंट डे, मैंने अपनी सारी चीज़ें हटा ली है और मैं इस कुर्सी के ऊपर कूद के देख रहा हूँ। मैं काफ़ी एक्साइटेड हूँ उसको मारने के लिए और हम बस जाने ही वाले हैं आज हासियांदा में। मैं इस प्यारे से वर्ल्ड को एक आखिरी बार देखना चाहता हूँ कि मुझे लगता कि हम कभी वापस आ पाएंगे, लेकिन उससे पहले हमको क्रीपर से मिलना पड़ेगा और मैं इसको क्या पता मार ही नहीं पा रहा हूँ। ओह शिट यार, मैं इतनी मुश्किल से पूरी थीम में आया था, क्या घटिया क्रीपर था वो। तो चलो अब हम चलते हैं, 3, 2 और 1। वो ये मैं कहाँ आ गया, मैं तो सच में आ गया। ये क्या हासियांदा तो लेजी आंदा कौन मार रहा है, फैंटम्स हैं यहाँ पे। ओ शिट, ये कितना पूरा लावा हो चुका है, रॉनी भाई का घर सब कुछ एकदम ख़त्म हो चुका है और इतना अंधेरा क्यों हो रहा है, थंडर स्टॉर्म चल रहा है। हम देखते हैं यहाँ पे रूम्स के अंदर कुछ चेस्ट पड़ी हो तो, बहुत डरावना लग रहा है। तो गाइस यहाँ पे शायद सब कुछ नॉर्मल है, यहाँ पे कोई भी हीरो ब्रायन वगैरह नहीं है। वेट, वो कौन है, भी फैंटम्स क्यों मार रहे हैं, वो भी वहाँ पे कोई था। तो गाइस पिछली बार वो हमारा शायद भ्रम था क्योंकि मेरे को 10 या 15 मिनट हो चुके हैं यहाँ पे घूमते हुए और यहाँ पे सिर्फ मॉब्स हैं, कोई हीरो ब्रायन वगैरह नहीं है। आगे चल के भी चेक कर लेते हैं यार, रॉनी भाई के वर्ल्ड को क्या ही हो गया यार, मेरा फेवरेट वर्ल्ड था ये। ओह शिट, फिर से मेरे को दिखा वो, हम जल्दी से दूर चलते हैं। पर हट जा भाई,
पहले यहाँ पे इतने मॉब हो रहे हैं, मर जा कि मर गया। अब अगली बार अगर मेरे को दिखा मैं उससे सीधा फाइट लेने वाला हूँ। मेरा गेम बहुत लैग कर रहा है इसकी वजह से। चढ़ जा भाई। मैं जहर हासी आंदा मेरा एकदम फेवरेट वर्ल्ड था, लेकिन अब इसकी क्या हालत हो चुकी है। हम चलते हैं उस हीरो ब्रांड को ढूंढने, छोड़ेंगे नहीं अब हम उसको। वो ये क्या, वो मेरे कंट्रोल्स काम नहीं कर रहे हैं, मैं मार नहीं पा रहा इसको। इस पता नहीं क्या हुआ, एकदम से मैं उसको मार ही नहीं पा रहा था। हम जल्दी से चलते हैं यार। मैंने जो सोचा था ये तो बहुत ज़्यादा मुश्किल है, मैं ढंग से बोल भी नहीं पा रहा हूँ, इतना मेरे को डर लग रहा है। यहाँ पे इतने मॉब्स हैं। बस पिछली बार उसके पास नेदरराइट आर्मर पता नहीं कैसे आ गया था, लेकिन हम भूल नहीं सकते। वो वहाँ पे है, वहाँ पे हीरो ब्रांड, वो कुछ और कर रहा है। अब मैं उसको नहीं छोड़ने वाला। अब वो गया। यहाँ पे क्या है रही है, बहुत लैग कर रहा है मेरा गेम इसी वजह से। जाए यहाँ से। ये यहाँ पे कर क्या रहा है कि इसको थप्पा कर देते हैं। सो रॉनी भाई आपको बेस्ट ऑफ लक, आप इस हीरो ब्रांड को मार देना, मैं तो नहीं मार पाया। और गाइस हमें इस मंथ के एंड से पहले 500 सब्स करने हैं, सो प्लीज़ करा दो।